अगरबत्ती को लगा देना तुम पूजन समझते हो, अगरबत्ती को लगा देना पूजन समझते हो, भगवान के सामने दिया जला देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा देना, धतूरा चढ़ा देना पूजन समझते हो, ये पूजन नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर एक क्षण बैठकर उस परमात्मा से दिल की बात कह देना। भले तुम कुछ दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर मंदिर में जाकर, अर्थात मंदिर नहीं भी गए हो, अपने ही घर में रहकर अपने हृदय को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना, और किसी के प्रति भेद भाव नहीं रखना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी के लिए गाली नहीं देना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहना, ये पूजन से बढ़कर भी पूजन है। साहब आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें, व्रत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। व्रत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में व्रत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते, हम तो मंदिर की दिया उठाया और घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना है, रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाल लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दीप। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा, और दिए ही जलते हैं वहां 108। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन, हमारी आदत है। मनवांछित फल की कामना के लिए जब हम शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिवजी को हम जब बेलपत्र समर्पित करते हैं, आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है, एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, दो चार बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं, पर यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन कुछ भी, अभीर गुलाल कुछ भी रखकर, मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर हमने 108 ऐसी चढ़ा दिया, 11 पत्ते ऐसी चढ़ा दिए तो उसमें कामना की पूर्ति नहीं है, पर आखिरी 10 चढ़ा दिए तो आखिरी 11वें बेलपत्र पे हमें कुछ रखकर देना ही पड़ेगा। तो वो ये जरूरी नहीं है कि आप धन रख कर दें, पैसा रख कर दें या संपदा रख कर दें, उसमें अबीर गुलाल चंदन चावल जो तुम्हारा मन पड़े पुष्प आदि उस पर रख। आपने देखा होगा, आप लोग तो करते रहते हो ना पूजा, तो जहाँ पंडित जी अभिषेक कराते हैं तो आखिरी की बेलपत्र पे वो लगा के सब दे ही देते हैं, लो चढ़ा। तो कभी आपने पंडित जी से पूछा कि आखिरी बेलपत्र पे आपने लगा के कोई लिख के रख लेता है नमः शिवाय, उसको रख देता संभाल के, सब चढ़ा देगा उसके बाद वो चढ़ाएगा, उसका कारण क्या है? रावण सीता कहती है कि लंका अधिपति लंकेश जब भी बेलपत्र समर्पित करता था, आखिरी बेलपत्र जब समर्पित करता था तो शंकर को कुछ देकर ही समर्पित करता था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ, फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए, चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए,
पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ, नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे पांच स्थान दिए जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? पांच चीजों से, पंचामृत, दूध बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये पांच चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है, शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है, और पांचवें नंबर पर भगवान को शक्कर खान, जो आप जानते हो कि शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं हो। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते, खाली पात्र नहीं लाते।